हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ है आज ये दो नन्हे मुन्ने से छोटे से बच्चे, ठीक है। दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में बोलते हैं साहब? आई स्टडी इन क्लास फोर्थ। यू स्टडी इन क्लास फोर्थ, ओके। एंड अर्चना, व्हाट अबाउट यू? आई आल्सो स्टडी इन क्लास फोर्थ। यू आल्सो स्टडी इन क्लास फोर्थ। तो दोनों ही क्लास फोर्थ के बच्चे हैं। अभी इन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया है और इनका चेक करेंगे आज कि इन्होंने कितना कुछ सीखा है। आप भी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक और देखिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की। जो भी ये गलती करेंगे आगे या नहीं गलती करते हैं तो भी आप बताइए कि गलती की या नहीं की, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से बेहतर प्रदर्शन किसने किया। सो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टार्ट विद अल्तमस। अल्तमस, मैं खेलता हूँ। आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डोंट आई प्ले। मैं कहाँ खेलता हूँ? वेयर डू आई प्ले। मैं किसके साथ खेलता हूँ? विथ होम डू आई प्ले। ओके अर्चना, नाउ इट्स योर टर्न। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? डोंट आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल कब जाता हूँ? व्हेन डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल किसके साथ जाता हूँ? विथ होम डू आई गो टू स्कूल। परफेक्ट। तो अभी तक आपने देखा दोनों ही लगभग लगभग इक्वल पे है। इक्वल बच्चों? ओके आगे चलते हैं। वह नाचता है। ही डांसेस। वह नहीं नाचता है। ही डजंट डांस। क्या वह नाचता है? डज ही डांस। क्या वह नहीं नाचता है? डजंट ही डांस। वह कैसे नाचता है? हाउ डज ही डांस। वह किसके साथ नाचता है? विथ होम डज ही डांस। ओके परफेक्ट अल्तमस। अर्चना अगेन, नाउ इट्स योर टर्न। वह खेलता है। ही प्लेज। वह नहीं खेलता है। ही डजंट प्ले। क्या वह खेलता है? डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है? Doesn't he play? वह कैसे खेलता है? How does he play? वह किसके साथ खेलता है? With whom does he play? Okay, perfect. अभी तक दोनों बराबरी पे, देख रहे हैं आप लोग? Right बच्चों? Okay, आगे चलते हैं। Now again Altimus, it's your turn. मैं रोज शाम में पढ़ने जाता हूँ। I go to study every day in the evening. I go for a study in the evening every day, right? Yes. Okay. क्या मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ? Do I teach my younger brother? Do I teach my brother? Okay. क्या मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ? मैं शाम में दोस्तों के साथ खेलता हूँ। I play with my friends in the evening. I play with my friends in the evening. Okay. मैं स्कूल पढ़ने रोज जाता हूँ। I go to school to study every day. I go to school for study every day. Okay. मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। I get up early in the morning every day. I get up early in the morning every day. Okay. मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। I take a bath with cold water. गर्म पानी से अल्तमस। I take a bath with warm water. I take a bath with warm water. Okay. मैं रोज सुबह एक कप चाय पीता हूँ। I take tea in the evening every day. No अल्तमस, आप सही से सुन नहीं रहे हैं। मैं रोज सुबह एक कप चाय पीता हूँ। I take tea in the morning every day. I take a cup of tea in the morning every day, right? It's okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है? अभी आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अर्चना, it's your turn now. मैं रोज स्कूल सुबह में जाता हूँ। I go to school in the morning. Every day. I go to school in the morning every day. मैं रोज सुबह अपने भाई को पढ़ाता हूँ। I teach my brother every day in the morning. I teach my brother every day in the morning. Okay. मैं शाम को रोज चाय पीता हूँ। I take tea in the
evening. In the evening, रोज के लिए. Every day. Yes, I take tea in the evening every day. Okay. मैं रोज शाम को अपने भाई के साथ खेलता हूँ. I play with my brother every day in the evening. I play with my brother every day in the evening. All right. मैं रोज अपने छोटे भाई को शाम में पढ़ाता हूँ. I teach my younger brother in the evening every day. I teach my younger brother in the evening every day. Okay, one more question. मैं अपनी मम्मी की रोज मदद करता हूँ. I help my mother every day. All right. तो अभी आपने देखा दोस्तों, दोनों ही एक ही स्कूल में हैं, एक ही क्लास में भी हैं, फोर्थ स्टैंडर्ड में. कुछ ही दिन दोनों ने साथ में यहाँ पे बिताया है सीखते हुए. और अभी आपने जो देखा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन दोनों में से बेहतर कौन था. मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा.